हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है। तो आज की वीडियो होने वाली है एकदम मज़ेदार, क्योंकि आज हम घूमने वाले हैं पूरा ट्रॉय मैप और देखेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्राफ्टन ने कुछ चेंज भी किया है या फिर हमें सिर्फ पहली गेम चिपका के वापस दे दिया। इस गेम की जो मूवमेंट है एकदम पीसी वाली है, पीसी लेवल की। आपको ऐसा लगेगा कि आप पीसी में खेल रहे हैं, जैसे पबजी पीसी है वैसे ही सेम है। बहुत सारे सेटिंग्स में भी चेंजेस किए हैं और बाकी आप ग्राफिक्स तो देख ही सकते हैं, एकदम टॉप लेवल की। और यहाँ पर हम बैठ चुके हैं अपने प्लेन में। प्लेन प्रीटी मच सेम है जैसे पहली गेम में था। और जो ट्रॉय मैप है ये है 8x8 किलोमीटर्स का। यहाँ बहुत सारी लोकेशंस हैं तो हम किसी भी रैंडम लोकेशन पे उतर जाते हैं। एंड आई थिंक इस जगह का नाम है वर्मोंट, समथिंग लाइक दैट। वर्मोंट, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं पर आई थिंक तो यही है। और जो आपकी ड्रॉपिंग स्पीड है वो है मैक्सिमम 231 किलोमीटर पर आवर। और जो पॉपअप करके नेम आ रहा है ना ऊपर में, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर फिर धीरे 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 करके सारी गेम रेंडर होने लग जाएगी। और यहाँ पे शायद कोई उतरा भी नहीं, मुझे दिख भी नहीं रहा है कोई दूर दूर तक। जो इन्होंने ये घर बनाया है, मतलब इसकी जो क्राफ्टिंग की है बहुत बढ़िया की है। और ग्राफिक्स तो आप देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया बनाई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। मेरे टीममेट भी यहीं हैं और दो तीन बंदे और भी हैं दूसरी साइड तक। और यहाँ पे मेरा व्यू FPP था तो मैं TPP स्विच कर लेता हूँ। पर जब आप लूट करेंगे तो आपको घर में ये मनी भी मिलेगी, कैश। और इसकी टेक्निकल टर्म है ड्रोन क्रेडिट्स। गन्स तो मैक्सिमम वही है जो आपको पुरानी गेम में मिलती थी सेम। इसकी जो एनिमेशन है गन स्विच करने की या फिर बैक रखने की, ये थोड़ी सी आपको लगेगी कि स्लो है, लेकिन मतलब ओरिजिनल लगती है, थोड़ी रियल PC वाली फीलिंग आती है, पबजी PC में होता जैसे। और इसमें आपको आयरन साइट नहीं मिलेगी देखने के लिए, कोई भी गन स्विच करोगे उसमें आपको रेड डॉट पहले से ही लगा मिलेगा। और हर एक खिड़की में आपको ग्लास मिलेगा। और स्कोप ओपनिंग एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और उसके बाद मैं लूट करते करते इस जगह पर आ जाता हूँ, यहाँ पर मुझे एक वार्ड मिलता है। इसको नॉक करने के बाद मैं इसको फिनिश करने के लिए जाता हूँ। ये मर गया था, इसकी लाश पड़ रखी थी नीचे, मेरे को लगा अभी भी है जिंदा, मैंने नेड लगा फेंकने। इसके बाद इसकी क्रेट लूटता हूँ, उससे मेरे को DP मिलती है, उसके मेरे को एक और आवाज़ आती है सामने से, बोर्ड जा रहा था। रिकॉयल मतलब सेम है आई थिंक, तो मेरे सब सेम है एकदम पुरानी गेम जैसा। उसके बाद इसमें एक और चीज़ जिसे आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, ये वाला, ये शोल्डर एम। जब भी आप फायर करोगे ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, आप इसको मैनुअल कर सकते हो या बंद ही कर सकते हो। मैं तो बंद करूँगा अभी, तो मैंने बंद नहीं किया था, मैंने सेटिंग नहीं देखी थी, पर मैं तो बंद रखता हूँ क्योंकि बहुत ही अजीब लगता है मुझे। उसके बाद इस जगह से फायर होती है तो मैं इस तरफ जा जाता हूँ। यहाँ एक बंदा लेट रखा था, मैं इसको फायर देता हूँ पर साली बचती नहीं गोली, और उल्टा मेरे पे फायर हो जाती है, मैं बहुत लो जाता हूँ। उसके बाद ये वाले बंदे बाहू को जाते हैं, खुले से रेस्ट करते हैं। एक बंदा नॉक करता हूँ, उसके बाद मैं हील करता हूँ, उसके बाद सीधा रश। यह बंदा सामने सामने रिवाइव, नॉक, इसके बाद पूरा फिनिश करने के लिए जा रहा होता हूँ। इसका बंदा पीछे से फायर होता है बंदे वाले, तीसरा नॉक, पूरी 10 HP बची थी तो मैं हील करने बैठ गया। और ये देखने में बहुत ज़्यादा फनी लग रहा है किस तरीके से हाथ करके आगे, बहुत अजीब लग रहा है। और उसके बाद इस पर भी मेरे को रिवाइव करना नहीं आ रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करता है। तब तक एक बंदा थर्ड पार्टी करने आता है और नॉक हो जाता है। एक और बार देखा मेरे को रिवाइव का साइन, और इस बार मैंने दबा दिया, और यहाँ पर रिवाइव की जगह रिक्रूटिंग आ रहा है, तो मैं सोचू वो कह रहा है ये, तो उसको कट करके मैंने दोबारा दबाया, फिर वही आ रहा रिक्रूटिंग। मैं सोचू मैंने तो इसको अभी भी नॉक किया, ये वो कह रहा है। और उसके बाद जो हुआ वो खुद देख लो, ये बंदा मेरी स्क्वाड का मेंबर बन गया। इसको भी नहीं समझ आ रहा था भाई क्या हो रहा है, ये फायर लग जाता है करने की, मरेगा मरेगा, लेकिन उसको क्या पता कि हम टीम में बन गए। ऐसा तभी होता है अगर आपकी टीम में कोई बंदा मर जाता है, यानी कि तीन बंदे हैं या फिर दो बंदे हैं, तब आप रिक्रूट कर सकते हैं एक बंदा। अगर आपकी टीम में दो बंदे बचे हैं तो आप दो बंदे कर सकते हैं रिक्रूट, फिर एक बचा है तो एक कर सकते हैं, लेकिन अगर चार है तब नहीं कर सकते। अब बहुत बंदे बोलेंगे कि बॉट का क्या, तो बॉट के बाद जब भी आप जाएंगे वो इंस्टेंटली मर जाएगा उसी टाइम। उसके बाद मैं यहाँ गाड़ी ढूंढते ढूंढते आता हूँ, मुझे मिलती है यहाँ गाड़ी, देख लो इसकी आवाज़ भी एकदम टेस्ला जैसी है, इलेक्ट्रिक कार लग गई पूरी पूरी।
इसके रिम चमक रहे हैं। और यहाँ ऑप्शन भी है, इंजन ऑन ऑफ ऑटो, स्पीड के नीचे बैटरी भी दे रखी है, कितनी बैटरी बची है, कितनी यूज़ कर सकते हैं आप। क्योंकि इसका डैशबोर्ड क्या ही बना रखा है, मस्त एकदम। और उसमें एक और नया फीचर है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक इस पर एक ट्रंक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। इस ट्रंक में आप मतलब सामान डाल सकते हैं मेरे हिसाब से, मैंने ट्राई तो नहीं किया पर आई थिंक डाल सकते हैं। उसके बाद हम बैठते हैं दूसरी गाड़ी में, एकदम हमर जैसी लग रही है। उसके बाद यह सेकेंड मैच की क्लिप है, इसमें मैं जैसे सोलो खेल रहा था तो मैंने एक बात नोट की कि इसमें एक और ऑप्शन आ रहा है डोर का। ओ भाई, इसमें डोर भी ओपन कर सकते हैं उतार के, एकदम रियलिस्टिक बना रखी इन्होंने। ये छोटे छोटे डिटेल ही एक गेम को रियलिस्टिक बनाती है, क्या ही आवाज़ है मैंने तगड़े वाली। उसके बाद मुझे मिलती है यहाँ बगी, बगी भी इन्होंने एकदम ठीक बना रखी है, बहुत बढ़िया है। और फिर भी ड्रिफ्ट तो एकदम गंदा मारती है। उसके बाद इस क्लिप में मुझे मिलती है बाइक, एकदम हार्ले लग रही है बाइक, क्या ही एकदम मस्त बनाई हुई, एकदम बढ़िया आवाज़ है। चलो उसकी मैक्सिमम स्पीड करते हैं चेक, कितनी कहाँ तक जा सकती है। एक सौ बीस पहुँच गई भाई, 128, 130, 31, 32, कहाँ तक जाएगी, 40, 42 भाई, इसकी शायद 150 मैक्सिमम स्पीड। अब बताता हूँ कि उस ड्रोन क्रेडिट का क्या काम है। आप ड्रोन क्रेडिट से कुछ भी सामान मंगा सकते हैं किसी भी लोकेशन पे। एक मार्क लगाइए, वहाँ पर ड्रोन आएगा, उसमें आपने जो भी चीज़ ऑर्डर की है वो आएगी। ये एक सेम शॉप जैसा है, आप यहाँ पे पैसे दे सकते हैं और कुछ भी चीज़ ले सकते हैं, हर एक चीज़ का अपना अपना रेट है। यहाँ आपको मैक्सिमम चीज़ें मिल जाएंगी, एमओ मिल जाएगी, हेल्थ मिल जाएगी, डिप्लॉयबल शील्ड्स भी हैं इसमें, और सिरिंज और फ्लेयर भी मिलती है यहाँ तक कि इसमें फ्लेयर के, लेकिन हाई रेट्स होते हैं उसी तरीके से। लेकिन आप एक जब भी कोई भी फ्लेयर मंगाएंगे तो एकदम देख के मंगाना, क्योंकि मैंने गलती से छत पर मार्क कर दिया, अब ये छत पर गिरेगा, जो ड्रोन आके आएगा वो छत पर गिरा के जाएगा हमारा। इसमें डिप्लॉयबल शील्ड्स भी हैं, जैसे कि आपने पबजी में देखा था मिशन इग्निशन में, वैसे सेम है डिप्लॉयबल शील्ड। जो ड्रोन आएगा आप उसको डैमेज नहीं कर सकते हैं, मैंने ट्राई किया लेकिन वो गिरा नहीं, क्या पता अपडेट्स में दें लेकिन मेरे हिसाब से नहीं गिरेगा, मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं, इस पर कोई डैमेज नहीं पड़ता। ये आपका बॉक्स गिरा देगा आपके सर्टेन लोकेशन पर, मैंने छत पर मार्क किया तो छत पर गिरा, मैं कोशिश कर रहा था नेट से गिराने की लेकिन गिरा नहीं। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो इसमें मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, जैसे कि डोर पे आप अगर फायर करेंगे तो डोर पे डैमेज पड़ेगा और डोर गिर जाएंगे, गाड़ी से अलग हो जाएंगे, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। सो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।